हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से बिहार यूनिवर्सिटी के बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट के जो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा मॉडल पेपर प्रस्तुत किया गया है, उसमें से थर्ड यूनिट आ जाता है फेज इक्विलिब्रियम। और इसी फेज इक्विलिब्रियम के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और 100% जिसमें एक्यूरेसी होगी। तो चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पर फेज इक्विलिब्रियम के। तो जो भी स्टूडेंट नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो उनको सबसे पहले प्रोवाइड हो। अंतिम 7 दिन, अब ज़्यादा समय भी हम लोगों के पास नहीं बचा, 3 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसमें बेहतर प्रिपरेशन के लिए ऑब्जेक्टिव नोट्स आपको चाहिए। तो उसी मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं विद 100% एक्यूरेसी। तो चलते हैं फेज इक्विलिब्रियम के फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फेज रूल वाज गिवन बाई, फेज रूल किसने दिया, ये कह रहा है। फेज रूल वाज गिवन बाई, फेज रूल किसने दिया, ठीक है। तो फेज रूल किसने दिया, तो विलियम गिब्स ने फेज रूल देने का काम किया। किसने, तो विलियम गिब्स ने फेज रूल दिया। तो एक का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, अर्थात 51 का आंसर कौन हो जाएगा, बी। अगला क्या कह रहा है, फेज रूल इज स्टेटेड एज, तो फेज रूल एफ बराबर होता है सी माइनस पी अपर प्लस टू, यही क्या आ जाता है, तो यही आ जाता है फेज रूल आ जाता है, ठीक है। यह क्या आ जाता है, तो यही फेज रूल आ जाता है, ठीक है। यह पूरा क्या आ जाता है, फेज रूल आ जाता है, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ पर सी क्या है, कंपोनेंट है, पी क्या है, नंबर ऑफ फेज है, और एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो फेज रूल इज स्टेटेड एज, तो फेज रूल का जो आंसर एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, अर्थात क्या हो जाएगा, 52 का आंसर क्या आ जाएगा, तो ए आंसर आप लोगों का आ जाएगा 52 का, ठीक है। सब पर टिक लगा हुआ है। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 53 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब 53 क्वेश्चन, द ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर हुयर। अब देखिए यहाँ पर एक कर्व बना लिए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है एक, देखिए यहाँ पर एक ट्रिपल पॉइंट लेंगे। अब इस ट्रिपल पॉइंट में 3 फेज आ जाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। एक आ जाता है हम लोग के पास लिक्विड फेज, एक आ जाता है वेपर फेज, और एक आ जाता है गैस फेज, यही 3 फेज है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का आ जाता है लिक्विड, यहाँ पर क्या है लिक्विड, यहाँ पर सोलिड, यहाँ पर गैस है। तो यहाँ पर कंपोनेंट, तो और H2O का कंपोनेंट है, कौन है, H2O का कंपोनेंट है। यहाँ H2O लिक्विड की अवस्था में, यहाँ H2O सोलिड की अवस्था में, और यहाँ H2O किसकी अवस्था में है, तो वेपर की अवस्था में है। तो F बराबर आ जाता है सी माइनस पी या प्लस टू। तो कंपोनेंट कितना है, केवल H2O हम लिए हैं, तो 1 कंपोनेंट। फेज कितना है, तो 3 फेज, एक लिक्विड फेज है, एक वेपर फेज है, एक सोलिड फेज। तो 1 माइनस 3 या प्लस टू, 1 माइनस 3 कितना, -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि एट ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट ओ को मान लेते हैं ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द 0, सो द ट्रिपल पॉइंट इज द नॉन वेरिएंट सिस्टम। इस प्रकार ट्रिपल पॉइंट क्या आ जाता है, तो ट्रिपल पॉइंट नॉन वेरिएंट सिस्टम आ जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनवेरियंट सिस्टम या नॉन वेरियंट सिस्टम, 54 का सी आंसर। 55 के क्वेश्चन पर अब हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं 55 का क्वेश्चन है क्या। 55 में क्या कह रहा है, इन 1 कंपोनेंट सिस्टम द नंबर ऑफ फेज एट ट्रिपल पॉइंट, एक कंपोनेंट सिस्टम में नंबर ऑफ फेज कितना होगा, ठीक है, यही हम लोगों से पूछ रहा है। अब देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पर कह रहा है, मान लेते हैं कि H2O ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए H2O ले रहे हैं, यहाँ से एक 3 को कंपोनेंट बना, ठीक है। यहाँ पर H2O सोलिड की अवस्था में, ठीक है,
यहाँ पर किस अवस्था में, सोलिड की अवस्था में, यहाँ पर H2O लिक्विड की अवस्था में है, ठीक है, और यहाँ पर जो H2O है वह वेपर की अवस्था में, किसकी अवस्था में, वेपर, और O को मान लेते हैं ट्रिपल पॉइंट, या O क्या आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर O इज द ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, केवल कंपोनेंट कौन है, तो कंपोनेंट केवल H2 है, लेकिन फेज कितना है, तो तीन को फेज हम लोगों को आने का कार्य हुआ है, कितना फेज, तो तीन फेज हम लोगों को क्या आया है, ठीक है, तीन फेज। अब देखिए तो एफ बराबर क्या आ जाता है, सी माइनस पी या प्लस टू, यही ना आ जाता है, एफ बराबर सी माइनस पी या प्लस टू। तो एफ बराबर हम लोग के पास कंपोनेंट कितना है, मात्र वन कंपोनेंट H2O, फेज कितना है, तो 1-3 और प्लस कितना आ जाता है 2, तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 0। लेकिन कह रहा है एक कंपोनेंट सिस्टम में कितना फेज हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेज, यानी कि H2O को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर में, दूसरा कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, तीसरा कन्वर्ट कर सकते हैं किसके, सोलिड में, ठीक है। अगर लिक्विड से वेपर में करना है तो बॉइलिंग पॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यानी कि यह क्या आ जाएगा, बॉयल कर जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे कि सोलिड से वेपर करना है तो फ्यूजन करेंगे, ठीक है, और सोलिड से लिक्विड में करना है तो मेल्टिंग करेंगे, ठीक है, मेल्टिंग ही नहीं करेंगे, अगर ठोस को लिक्विड में ले जाना है तो मेल्टिंग करेंगे, यानी कि द टेम्परेचर एट विच सोलिड इज टू बी मेल्ट देन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्ट इन टू द वेपर, सो दिस इज नोन एज द वेपोराइजेशन, ठीक है, और द टेम्परेचर एट विच सोलिड इज कन्वर्ट इन टू द वेपर एंड वेपर इज कन्वर्ट इन टू द सोलिड देन इट इज नोन एज द फ्यूजन, यानी कि एक लिक्विड को हम कितना फेज में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते, 3, सोलिड, वेपर और लिक्विड। तो किसी भी केस में एक कंपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 3 फेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वन कंपोनेंट सिस्टम में अधिकतर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो 3 होगा। 55 का जो आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 55 का आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, 55 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब चलते हम लोग 56 के क्वेश्चन पर, ठीक है, अब 56वां क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए 56 में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज इन वन कंपोनेंट सिस्टम, द मैक्सिमम नंबर एक कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज कितना होगा, 3 होगा, 55 का ही 2 कॉपी एंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते अगला क्वेश्चन पर, देखिए अगला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फेज रूल इज एप्लीकेबल, फेज रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजेनस सिस्टम, केवल और केवल विषमांगी सिस्टम के लिए ही फेज रूल लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सोलिड फेज आर प्रजेंट इन द सल्फर सिस्टम, यानी कि हाउ मैनी सोलिड फेज आर प्रजेंट इन सल्फर सिस्टम, सोलिड फेज कितने, तो 2 में प्रजेंट हो सकता है, 58 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। 59 में कह रहा है हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3, हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर एट पॉइंट वेयर 3 फेज आर मीट, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा अगर 3 फेज एक ही कर्व पर मिल रहे हैं, तो पूछ रहा है हम लोगों से डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना जाएगा, 0, क्योंकि एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, अगर फेज 3 है तो कंपोनेंट 1, तो 1+3 बराबर कितना, 0, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो आंसर 59 का आ जाएगा आप लोगों का, आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0, अर्थात बी आंसर 59 का बिल्कुल राइट है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वह 100% एक्यूरेसी के साथ होगी, तो किसी भी हेजिकेशन की कोई बात नहीं है, हिचकिचाने की कोई बात नहीं, विदाउट एनी हेजिकेशन वी कैन सोल्व द ऑल क्वेश्चन ऑफ द फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या कह रहा है साठ में का देखिए क्या कह रहा है, साठ में कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी क्वाड्रोपोल पॉइंट वन फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम बिकॉज द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम कैन नॉट बी। अब देखिए कह रहा है क्वाड्रपोल यानी कि 4 गो यहाँ पर फेज है, ठीक है, फेज है, तो एफ बराबर सी माइनस पी या प्लस 2। अब देखिए 4 गो फेज है तो 1-4+2, तो एफ बराबर कितना, -1 आ जाएगा, बिकॉज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन नेबर कंडीशन इज निगेटिव, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी कंडीशन में निगेटिव नहीं होगा, इसलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि देयर कैन नॉट बी क्वाड्रप
पोल पॉइंट वन डिग्री फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम बिकॉज द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम कैन नॉट बी द निगेटिव, यानी कि माइनस वन कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। ठीक है, माइनस वन कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये बी आंसर बिल्कुल सही है 60 का। 63 में कह रहा है कि CaCO3, अब देखिए क्या कह रहा है कि CaCO3 को कन्वर्ट कर रहे हैं CaO+CO2 में, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, यह कैल्शियम ऑक्साइड है और यह क्या है CO2, दैट इज लाइम आ गया, सॉरी यह कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कह रहा है कंटेन द कंपोनेंट, कितना कंपोनेंट है, तो तीन गो कंपोनेंट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कैल्शियम ऑक्साइड इज द प्रीपेयर इन सच रिएक्शन, द थ्री कंपोनेंट आर द प्रेजेंट, इस रिएक्शन में कितने कंपोनेंट है, तो तीन कंपोनेंट उपस्थित है, तो यानी कि 61 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो सी आंसर होगा 3। 62 में कह रहा है नंबर ऑफ फेज इन CaCO3 तो CaO+CO2, तो फेज भी कितने होंगे, तो तीन फेज होंगे, यह एस या सोलिड आ जाता है या लिक्विड के रूप में, और CO2 किसके रूप में, तो गैस के रूप में आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ फेज भी कितना आ जाएगा, तो तीन आ जाएगा। 62 का सी आंसर सही है। 63 में कह रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम आइस वाटर और वेपर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो यानी कि फेज कितना है, तो फेज तो तीन गो है, लेकिन कंपोनेंट कितना, वन है, जिसका नाम क्या है, तो H2O, तो एफ बराबर फार्मूला लगा C-P+2, कंपोनेंट कितना, वन, फेज कितना, थ्री, बैलेंस कितना, टू, बराबर कितना आ गया, जीरो, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 63 में, तो जीरो। कह रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ आइस रिवर्सिबल वाटर रिवर्सिबल वेपर सिस्टम इज, तो जीरो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है। इन सच कंडीशन द देयर इज ओनली वन कंपोनेंट दैट इज द H2O, H2O इज कन्वर्ट इनटू द आइस बाय द फ्यूजन, कन्वर्ट इनटू द वाटर दैट इज द लिक्विड एंड वेपर, देन इन दिस कंडीशन द वेरियस प्रोसेस आर यूज दैट इज द फ्यूजन वेपोराइजेशन एंड द मेल्टिंग, थ्री सिस्टम आर यूज्ड इन सच कंडीशन, द वन कंपोनेंट दैट इज द H2O एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द थ्री दैट इज द आइस वाटर एंड वेपर, सो इट इज क्लियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टू बी जीरो इन केस ऑफ आइस वाटर एंड वेपर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 64 में, देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट इन आइस वाटर एंड वेपर, इसी का टू कॉपी केवल कंपोनेंट को रहा था, केवल H2O ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मात्र ए होगा, एक आंसर 64 का ए। 65 में कह रहा है द टेम्परेचर एट विच रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टू फेज ऑफ एन एलिमेंट चेंज इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट, तो वह क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट, तो वह क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टू फेज ऑफ एन एलिमेंट चेंज इज कॉल्ड दैट ट्रिपल पॉइंट, इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो अगला का हम लोगों से क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी कंपोनेंट एंड मैक्सिमम फेज आर प्रेजेंट इन KI वाटर सिस्टम, तो KI वाटर सिस्टम में मैक्सिमम फेज जो प्रेजेंट कंपोनेंट तो दो गो है, एगो KI है, एगो H2 है, और फेज जो है फेज कितना हो जाएगा इसमें, तो फेज दो गो फेज उपस्थित रहता है, तो कंपोनेंट एंड फेज पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर बिल्कुल राइट है। अगला कह रहा है सोलिड KI आइस एंड सॉल्यूशन आर प्रेजेंट एट द ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना आ जाएगा,
सोलिड है, आइस है एंड सॉल्यूशन है, यानी कि कंपोनेंट कितना है तो तीन है, और फेज कंपोनेंट कितना है तीन है, फेज कितना आ जाएगा तो तीन आ जाएगा, ठीक है, फेज तीन। अब सॉल्यूशन भी है तो यानी कि एफ बराबर क्या आ जाएगा, सी माइनस पी प्लस टू, यानी कि आ जाएगा तीन माइनस तीन और प्लस कितना दो, तीन से तीन कट गया यानी कि आ गया दो, आंसर कितना आ जाएगा, तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला कह रहा है ZnMg सिस्टम। अब देखिए एक कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, एक आ जाता है हम लोगों के पास कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक आ जाता है इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट वेयर फेज मेल्ट टू लिक्विड विद द सेम कंपोजिशन ऑफ सोलिड, देन इट इज नोन एज द कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। और इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एट विच द फेज मेल्ट टू लिक्विड विथ द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सोलिड, देन इट इज नोन एज द इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट का कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं ताकि आपको सुविधा होगा। जैसे कि AuSb यानी कि सोना और एंटीमेनी का मिक्सर है, सोडियम पोटासियम सिस्टम इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, NaCl H2 है इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, Na2SO4 एंड H2 है इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, पिक्रिक एसिड एंड बेंजीन इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। और इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट में जो होता है या जो मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करता है पदार्थ लिक्विड फेज में विद द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सोलिड, यानी कि द मेल्टिंग पॉइंट एट विच सबस्टांस इज मेल्ट टू लिक्विड विद द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द सोलिड, देन इट इज नोन एज द इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। और द मेल्टिंग पॉइंट एट विद द सबस्टांस इज मेल्ट टू द लिक्विड विद द सेम कंपोजिशन ऑफ द सोलिड, देन इट इज नोन एज द कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या कहलाता है कॉन्ग्रेंट। तो यह सब कुछ इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है ZnMg सिस्टम, तो ZnMg सिस्टम इसका आ जाएगा, तो ZnMg सिस्टम एक इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फेज इन आइस वाटर एंड वेपर सिस्टम, फेज कितना आता है, तीन होगा, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है एट यूटेक्टिक पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यूटेक्टिक पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगा, कितना होगा यूटेक्टिक पॉइंट पर, तो वन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71 में, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेज इन द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, तो इन द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस द नंबर ऑफ फेज इज टू बी टू, सो 71 का आंसर कितना आ जाएगा, बी हम लोगों का 71 का आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है 72 में, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सोलिड एंड लिक्विड फेज द कंपोजिशन ऑफ सेम कंपोजिशन, देखिए अभी बताए हैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट की द टेम्परेचर एट विच सोलिड एट विच द सबस्टांस इज मेल्ट टू द सोलिड विद द सेम कंपोजिशन ऑफ सोलिड, ठीक है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच द सबस्टांस इज मेल्ट टू लिक्विड विद द सेम कंपोजिशन ऑफ सोलिड, यानी कि लिक्विड और सोलिड का कंपोजिशन सेम है, तो कह रहा है टेम्परेचर एट विच सोलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ द कंपाउंड है सेम कंपोजिशन, बिल्कुल सही है, 72 का आंसर आप लोगों का ए ही होगा, 72 का आंसर कौन होगा, तो ए आ जाएगा आप लोगों का, बाकी यह सब नहीं होगा, ठीक है। अगला कह रहा है 73 में, अब देखिए 73 में क्या कह रहा है, 73 में हम लोगों को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम इन द कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट में कौन नहीं होगा, ZnMg सिस्टम इज द जो कौन नहीं होगा, तो ZnMg सिस्टम कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, FeCl3 कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, AlMg कॉन्ग्रेंट, ये सब क्या आ जाता है, तो ये सब आ जाता है इनकॉन्ग्रेंट, और NaKi जो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, तो NaAg इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, तो यानी कि 73 का आंसर क्या आ जाएगा, तो डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, यह जो इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट है। अब चलते हैं आगे 74 में क्वेश्चन, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम इन द कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट में पिक्रिक एसिड बेंजीन होगा, सोडियम पोटासियम होगा, गोल्ड एंटीमनी होगा, अभी बताए थे, लेकिन KI वाटर सिस्टम बताए थे नहीं, तो यही क्या आ जाएगा इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होगा, तो 74 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 75 में कहा द रीजन ऑफ इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस का रीजन क्या है, यही पूछ रहा है 74 में, द रीजन ऑफ इफ्लोरेसेंस, तो इफ्लोरेसेंस में कहा डिसोसिएशन प्रेशर
प्रेशर हाइड्रेटेड क्रिस्टल इज द लार्जर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर एट द रूम टेम्परेचर। दूसरा सबस्टांस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर एट द रूम टेम्परेचर। यानी कि बोथ द स्टेटमेंट इज टू बी ट्रू, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 75 का सी। तो फेज इक्विलिब्रियम का हमने सब पूरा ऑब्जेक्टिव को विद द 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, ज़रूर क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा है कि वो वीडियो के आंसर के लिए उत्सुक है, तो ज़रूर उन्हें आंसर क्यों प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।